पिछला वीडियो के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि पिछला वाला वीडियो बहुत स्पीड में हो गया था तो आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं इस वीडियो को बहुत धीरे से और मजे के साथ समझाने वाला हूं आप सभी को कि मैंने क्या क्या करके इसको कंप्लीट किया था। तो आप ध्यान से सुनते जाना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या कह रहा हूँ, और अपने आँखें एकदम बिल्ली की तरह रखना क्योंकि मैं कहाँ कहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो मैंने ऑटो कैट को ओपन कर दिया, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है तो इसको लात मारो। तो एरर गया भाड़ में, हम चले अपने प्रोजेक्ट करने। तो यहाँ पर हमने नया वाला प्रोजेक्ट खोल लिया और यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया पाथ डिज़ाइन, ओके पार्ट डिज़ाइन ऐसा करके कुछ लिखा होगा। तो पार्ट डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, ये रहा हमारा पेज आ गया। तो हम देखो, मैं वहाँ पर क्लिक करके एकदम स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने से हमारे पास डायमेंशन आ गया, मतलब प्लेन आ गया कि हम कौन से प्लेन पर काम करेंगे। तो हम हर बार की तरह एक्स वाई को ही ले लेते हैं क्योंकि हम बचपन से एक्स वाई ही करते आए हैं। ओके गाइस, तो एक्स वाई को लेकर ओके कर देते हैं। ये देखो एक्स वाई लेयर, उसको लेकर हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके, मैं एकदम अच्छी तरह से इस वीडियो में समझाऊंगा, पिछली वीडियो की तरह हवाबाजी नहीं करूंगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं देखो मेरा कर्सर कहाँ पर जा रहा है, अब देखना। अब मैं यहाँ पर टॉप व्यू में हूँ, ओके, और देखते हैं क्या क्या है। ये हमारा सारे कॉन्स्टेंट है जहाँ पर हमें सब कुछ करने के बाद करना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करने के लिए। तो हमने लाइन नहीं, हमने राउंड टूल को लिया। ओके गाइस, एकदम सेंटर में नहीं रखा मैं, आप ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक राउंड टेम्पोररी कर रहा हूँ और स्किप करके उसको छोड़ दिया। आप क्लिक करके राउंड करोगे, उसके बाद एक बार दबाओगे वो छोड़ जाएगा, उसके बाद स्किप करोगे पूरी तरह फ्री हो जाओगे। उसके बाद मैंने दोनों पॉइंट को एक साथ कांस्टेंट कर लिया, आपने देखा। इस आप मैं रेडियस को कांस्टेंट कर रहा हूँ, रेडियस का वैल्यू कितना है 60, ओके। नहीं, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 60 नहीं दिया है मेरे बचवा, यहाँ पर एक सेकेंड में आप ध्यान से देखना कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या दिया हुआ है। अब रेडियस दिया हुआ है और अब क्या कहाँ का मान कहाँ लगा रहे हो आपको पता ही नहीं। तो हम ये नीचे वाला ऑप्शन, ओके गाइज, ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है, हाँ, इसको दबा देते हैं। डायमीटर 60 दिया हुआ है और मैं चलाता रेडियस 60 करने, तो पागल हो जाता है, ओके, कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने डायमीटर 60 कर दिया कॉन्स्टेंट। अब देखो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, अब मैं ये देखो स्क्वायर शेप के लिए स्क्वायर शेप में जा रहा हूँ। मैं पिछली बार साइड में वो छवि देना भूल गया था, मैं अब दे दूंगा। ओके गाइस, तो मैंने एक स्क्वायर कर ली। अब देखो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दिखा रहा है तो वो कम हो जाएगा, मैं एक एक कांस्टेंट करता जाऊंगा। तो देखा मैंने कौन सा ऑप्शन को क्लिक किया, और एक लाइन को क्लिक किया और दूसरी लाइन को क्लिक किया, अपने आप हो जा रहा है। ओके गाइस, ये देखो एक लाइन को क्लिक किया, दूसरी लाइन को क्लिक किया, उतना ध्यान से मत करो, जस्ट फटाक से करते रहो और आखिर में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हो गया, अब हमको कांस्टेंट करना होगा ऊपर के साथ नीचे को। चलो एक साथ कर देते हैं ऊपर के साथ नीचे। अच्छा एक सेकेंड, ऊपर नीचे टोटल 100 है तो उसका हाफ होगा 50, तो हम नीचे के ऊपर के साथ नीचे कर दिए और यहाँ पर भी कर दिए, तो ये रहा 50 हो गया। ओके, ये हमारा ये यहाँ पर लगने में अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, अब ऊपर नीचे हो गया, आप आगे पीछे करना होगा, मतलब इस साइड के साथ उस साइड। तो हमने इस साइड का पॉइंट और इस साइड का वर्टिकल जो लाइन है एक साथ सिलेक्ट करके कांस्टेंट कर दिया। पूरा 200 है इसलिए हमने उसका हाफ 100 कर दिया। ओके, तो जो भी साइज ले रहा है वो लेने दो, बाद में हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरफ भी ले लेते हैं। तो हमने वो चौकोर मतलब स्क्वायर को एडजस्ट कर लिया है और अब इस कोने कोने को एडजस्ट करना है। ओके, इसको सिलेक्ट करके रेडियस दिया हुआ है, देखो देख रहा है रेडियस दिया हुआ है या और कुछ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पर रेडियस ही दिया हुआ था तो हमने रेडियस के साथ कांस्टेंट किया है, 10 साइज था। ओके, हमने 10 ही दिया है। तो इस वाले को हो मैं, अच्छा हुआ नहीं, अच्छा हम सिलेक्ट करना भूल गए थे तो सिलेक्ट कर लिए और इस वाले को 10 दे दिया, तो ये भी हमारा हो गया। तो इस वाले को आखिरी वाला बचा हुआ है ये भी कर लेते हैं, तो हमारे 10 कर लिए। और उसके बाद
देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है, मतलब हम सही काम कर रहे हैं गाइस, कोई भी गलती नहीं बता रही है ये सॉफ्टवेयर मुझे। ओके गाइस, समझ में आया मैंने जो कहा? अगर नहीं समझ में आया तो समझने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम राउंड करेंगे। ओके गाइस, राउंड यहाँ पर हम दोनों टाइप से कर सकते हैं, रेडियस से भी कर सकते हो, डायमीटर से भी कर सकते हैं, हम रेडियस से करेंगे। और मैं, मुझे ये जगह ज़्यादा पसंद है। मैंने सिलेक्ट करना भूल गया गाइस। अच्छा, हमने सिलेक्ट करके ये देखो रेडियस बना लिया। देखो आप यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक से कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक को गोला बना करके उसको पूरी तरह एडजस्ट करके मैं उसका मिरर बना सकता हूँ। तो एक बनाने के बाद ही मैं चारों ऑटोमेटिक ही बना लूँगा अगर मैं मिरर करूँगा तो। पर मेरा मिरर करने पे हमेशा देखा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता ही जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं चारों का चारों गोल मतलब राउंड मैं खुद से ही बनाऊँगा। तो मिरर फिरर को मालो गोली। ओके गाइस, तो सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, सिलेक्ट करके अब ये देखो गुल्ला गुल्ला रसगुल्ला बना लिया। अब चलो इस पॉइंट के साथ नीचे वाला पॉइंट को जोड़ देते हैं। देखते हैं क्या क्या। हाँ, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को एक साथ, सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, सिलेक्ट करने से वो हरा हो जाता है, मतलब ग्रीन हो जाता है। तो देखो हमारे असाइनमेंट में कितना है, तो 40 है, हम 40 कर दिए तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ऊपर नीचे। अब इसका रेडियस एडजस्ट करते हैं, रेडियस को सिलेक्ट किया और कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ओके, अब नीचे वाले को भी एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एकदम फाइन से एडजस्ट हो गया। तो अब इस वाले को जोड़ देते हैं, कितना था, कांस्टेंट कर देते हैं हम 40, डायमेंशन दे दिए। ओके गाइस, डायमेंशन दे, अंडू कर देते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी यार, वो पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए ऊपर उठ गया। तो आप कोई गलती हो जाए तो अंडू कर लेना, कोई बात नहीं, इसको 40 कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब इसकी रेडियस की बारी। ओके गाइस, तो रेडियस यहाँ पर 10 दे रहा है, ये देखो एकदम सही आकार में आ गया है। अब इसकी बारी, इसको भी हम 10 दे रहे हैं। हाँ, 10 दे दिया, सब कुछ हो गया, पर फिर भी हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी है, क्योंकि इसके साथ हमने वो गोल गोल से, बीच का गोल गोल के साथ वो स्क्वायर का हमने कांस्टेंट मतलब डायमेंशन नहीं दिया है। तो देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब ये आपको खुद से ही सोचना होगा, ये आपको कोई सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं बताता। मैं, मुझे यही बहुत गुस्सा आता है यार, ये सॉफ्टवेयर बता देता तो बहुत आसानी हो जाती। नहीं, आपको खुद भी डिसाइड करना होगा कि कौन सा बाकी है। एक सेकेंड, अगर मेरे पास कैलकुलेटर है क्या, मैं देख लेता हूँ। के साथ और इसके साथ हमने जोड़ दिया है और पूरा शायद 170 या ऐसा कुछ था, आप देख लेना असाइनमेंट में। असाइनमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे झुकना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हेलो, हमने ओके कर दी। अब इसके साथ इसको भी कर देते हैं। ओके गाइस, दोनों तरफ, हाँ ये भी हो गया। अब इन दोनों की बारी, इन दोनों के साथ वो मिडिल वाला लाइन को भी कर देते हैं। डायमेंशन दे दिया, 70 दे दिया, और इसके साथ देखो मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत कम हो चुका है। और इसका भी डायमेंशन, हाँ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ओके गाइस, तो डायमेंशन दे दिया, और भी मेरे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा हुआ है, क्योंकि मैं अच्छा देखते हैं और क्या है भाई। अच्छा इस, हाँ समझ गया, इस राउंड के साथ ये वाला जुड़ा हुआ नहीं था। हाँ ओके, आप एक खुद के हिसाब से करना। ओके गाइस, मैं अगर मैं जो कर रहा हूँ वही प्रोसेस आपको करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अगर हाफ हाफ करके वो करता तो मुझे ये आखिरी स्टेप का ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आप खुद करते करते समझ जाओगे, बहुत आसान सी चीज़ है। तो मैं सेव कर ले रहा हूँ ताकि ये मिट ना जाए भाई, हम रिस्क नहीं लेते अपने जीवन पर। ओके गाइस, तो हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर ही है, तो हम कोई नाम देते हैं। हम सुबह ही एक वीडियो बना था, वो FreeCAD 1 था, तो FreeCAD 2 है। हम इसको सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद हम इसको पैड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्लोज किया, क्लोज के बाद पैड वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक 3D में बदल जाएगा 2D के बाद। ये देखो हमारा बदल गया,
ये शायद वो दरवाजे का कोई हुक टाइप का लग रहा है मुझे, ज़्यादा पता नहीं भाई ये कौन सा चीज़ है, जो भी हो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं जो भी बाय डिफॉल्ट है वही दे देता हूँ। ओके दे दिया, ये हमारा बन गया है, नाम तो नहीं पता पर जो भी है बन गया है। तो यहाँ पर मैं हर व्यू को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखो साइड व्यू, ये शायद बॉटम व्यू है, कौन सा व्यू है भाई उसमें से क्या जाता है भाई, कौन सा व्यू है। और देख लो भाई ये पूरा एकदम 100% बन चुका है। अब इसकी प्रिंट करने की बारी, हम यहाँ से भी इसको घुमा सकते हैं तो दाहिनी तरफ जो बॉक्स चौकोर सा डाइस टाइप का रखा हुआ है। ओके ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है, अब करते हैं इसका प्रिंटिंग। तो हमारा वो नीचे वाला ऑप्शन अब देख सकते हो, मैं इतनी दूर से नाम को पढ़ नहीं पा रहा, मुझे याद हो गया है कि कौन सा ऑप्शन है, इसको कर लिए। अब इसको करने से हम अपना मतलब पैड पर आ गए हैं। ओ सॉरी, इस ऑप्शन पर दबाने से नहीं होगा, हमें मॉडल पर जाकर पैड पर क्लिक करके उस ऑप्शन को दबाना होगा। ओके अब यहाँ पर कौन सा एंगल चाहिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। देखते हैं अब टेप पेज पर गए, ये देखो इतना सारा, ओ माय गॉड बहुत सारा आ गया है, छाटो भाई कितना सारा हमें नहीं पता। ये डिलीट, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट, डिलीट नहीं हुआ भाई, हाँ डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। अब एक ही रह गया है मास्टरपीस, अच्छा है ठीक में भी अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। और 3D में तो एक ले लिया और एक लीनियर टाइप का ले लेते हैं, क्योंकि सर लीनियर भी लेने के लिए बोला था। यहाँ उसे आप एडजस्ट कर सकते हो दाहिनी तरफ से, कोई बात नहीं, ये थोड़ा साइड में कर लेते हैं, नहीं तो ये छोटा नहीं हो रहा भाई। यही प्रॉब्लम सुबह भी मेरे साथ आई थी, ये छोटा नहीं हो रहा था। यहाँ से शायद कुछ ऑप्शन होगा, स्मूथ फॉल्स नहीं भाई, कुछ तो नहीं हो रहा। इसको ट्रू करने से वो कोने में जो डॉट डॉट होता है ना वो चला जाएगा, मतलब प्रिंट करने के टाइम, उसके बाद अभी तो नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ भी तो नहीं मिल रहा है भाई, मैं इसको छोटा कैसे करूँगा। मैं सर को बताया था पर कोई रिप्लाई नहीं आया, यहाँ से क्या एरर फेरर दिखा रहा है भाई, छोटा नहीं हो रहा है। अच्छा छोटा बाद में करेंगे, ये देखो अंडू किया फिर भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो इन सबको छोड़ो, हम वो लीनियर टाइप का भी ले आते हैं। हम फिर से बॉडी पर गए और फिर से हम उसको एकदम लीनियर टाइप का किया, पैड में गए और ये वाला ऑप्शन को क्लिक किया। ओके गाइस, तो आप कौन सा पोजीशन को लेना चाहते हो आप उसमें क्लिक कर देना और ओके कर देना। ओके गाइस, ओके करने के बाद शायद आ गया है, पेज पर चलते हैं, पेज पर देखो सब कुछ आ गया है। तो ये सब एकदम एक जगह पर लूटपुट हो गया है शायद, तो जिसको ज़रूरत नहीं उसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट, अरे भाई सिलेक्ट नहीं हो रहा है भाई, हाँ डिलीट हो गया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ओके गाइस, अच्छा ओ माय गॉड, ऊपर और नीचे तो है ये सिमिलर टाइप का है, तो इस वाले का ज़रूरत नहीं है, इस वाले को रखने देते हैं भाई, कोने से बढ़ नहीं रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है यार। थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा कर सकता था तो बहुत अच्छा होता है, इस वाले का ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है भाई, तो लाइन सिलेक्ट हो जा रहा है। ओके ये देखो सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट हो गया है, कोई छोटा नहीं हो रहा है, मतलब पूरा काम पूरा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, एकदम आखिर में आकर हमारा सर्वनाश कर दिया। तो चलो आपने पूरी प्रोसेस तो जान ली कि कैसे से क्या क्या ऑप्शन पर दबाने से क्या क्या, और इस वाले वीडियो में थोड़ा टाइम लगाकर धीरे धीरे किया हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ। तो इतना यहाँ पर ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, तो आपने तो समझ ही गया होगी कि कैसे क्या हूँ, सिर्फ इसको एडजस्ट कर प्रिंट करना होगा। ओके तो इसको एडजस्ट तो मैं फ़िलहाल नहीं कर पा रहा, तो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैं बाद में एक शॉर्ट्स वीडियो दे दूंगा, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लूं कि कैसे क्या ऑप्शन से क्या कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर ही हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, और हम इनकम्प्लीट नहीं है भाई, पूरा वीडियो मैंने दिखा दिया है कि कौन से स्टेप से कहाँ कहाँ हो रहा है, कोई भी इनकम्प्लीट मैंने नहीं किया। ओके तो ये पूरा कम्प्लीट ही है, सिर्फ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रिंट करने के लिए, एकदम आखिरी पार्ट है, कोई पार्ट ही नहीं है भाई, ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ो भाई, इसको
हम बाद में एक शॉर्ट्स वीडियो से आपको बता देंगे कि ये कैसे होगा। तो आज के लिए बाय बाय गाइस, और हमारे साथ बने रखने के लिए थैंक यू। और मेरा नाम है आकाशदीप महापात्र, तो आज के लिए बाय बाय गाइस।